गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन मेरा गला सूख गया, डर तो नहीं लग रहा है, गला सूख गया। पानी बोतल भी लाया नहीं थी। हाँ, और भी 1 किलोमीटर बोल रहा है अभी, जो 1 दिन पार हुआ। घर से निकलते ही राइट ले लिया मैं। इतना दिन जितना भी ट्रिप में गया था सब लेफ्ट ले लिया, घर से निकल के ही लेफ्ट लिया था। आज जहाँ जा रहा हूँ ये राइट साइड में है मेरा घर का रोड का। तो पहुँच गए बात वक्त मार्केट। अभी आगे जाके लेफ्ट साइड जो रोड जाएगा एयरपोर्ट जाता है, 5 किलोमीटर लिखा है। फिर सीधा जाओगे तो कार्बिन बीच 6 किलोमीटर लिखा है, और यहाँ से चिड़िया टापू आपको 19 किलोमीटर है। तो मैं जाने वाला हूँ आज चिड़िया टापू। तो ये रहा बातुबस्ती का मेन मार्केट, काफ़ी बड़ा मार्केट है। अभी मुझे सीधा जाना है, लेफ्ट जो रोड जाता है ना ये जाता है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ से 7 किलोमीटर और। बातुबस्ती का पेट्रोल पंप, तेल तो फुल है, कोई टेंशन नहीं, आराम से जा के आ सकता हूँ। इधर कुछ डबल मोड में, कभी बादल आते हैं, कभी बारिश गिरते हैं हल्का फुल्का, कभी धूप निकलता है, और इधर भी कंफ्यूज है करना क्या है करके। एक्चुअली मई से पूरा सितंबर तक ना आपका मौसम ऐसे ही कुछ रहेगा, मई से लेकर अंडमान में मानसून शुरू हो जाता है। तो अभी तक बारिश तो उतना हुआ नहीं है, बादल ज़्यादा हुआ, बारिश कम। यहाँ से राइट लेना है हमें। अगर आप लेफ्ट साइड रोड में जाओगे तो सीधा एयरपोर्ट साइड से होके पोर्ट ब्लेयर पहुँच जाओगे। यहाँ से भी जा सकते हो, रोड तो बहुत सारे रोड है। राइट साइड में अंडमान का सिनेमा हॉल दिव्यूंग टॉकीस। अंडमान में अभी 2 सिनेमा हॉल है, एक है इधर और एक आपका स्कूल लाइन में है, वो है आनंद पैराडाइज। अब यहाँ से राइट लेना है, अगर सीधा जाओगे तो कार्बिन बीच, राइट जाओगे तो आपको चिड़िया टापू लास्ट में। ये है पात्रापुर मार्केट बाजार। अभी तक जितना ट्रिप किया हो सबसे बेस्ट रोड ये आज का ट्रिप में होगा। अभी यहाँ से हल्का फुल्का आपको बीच नहीं, यहाँ से हल्का फुल्का आपको समुंदर दिखने लगेगा। नारियल बगीचा के उस तरफ में समुंदर है। अब ऐसे ही समुंदर के किनारे 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 होते होते जाऊंगा। अभी जैसा कि ये देखो अभी यहाँ बैठ सकते हो, शाम को बैठ सकते हो, नॉर्मली दोपहर का टाइम यहाँ बैठ नहीं सकते हो, इतना गर्मी रहेगा, धूप इतना तेज रहेगा, शाम का टाइम सही रहेगा बैठने के लिए। कितना डोंगी देख रहे हो सब फिशरमैन के, NH4 है हमारे, NH4 जो चिड़िया टापू से लेकर डिगलीपुर के एरियल बे तक जाता है। यहाँ रोड अभी तक तो बहुत ही बढ़िया रोड है, कहीं खराब रोड मिला नहीं और शायद मिलेगा भी नहीं। राइट साइड में एक होटल है, होटल पार्क।
रेस्टोरेंट भी है, खा भी सकते हो। अभी यहाँ से ऐसे घूम घूम के वो सब दुकान दिख रहे हैं ना, दुकान का पीछे साइड दिख रहा है, उसके सामने से जाना है। लेकिन वो एक व्हाइट कलर का एक मंदिर है, वो तरफ से जाना है हमें। देखो फिर से समुंदर हमारा लेफ्ट साइड में आ गया, समुंदर से पूरा टच हो के हम लोग जा रहे थे। वो इधर देख रहे हो अभी रफ है, पूरा हल्का जोर से मार रहा है। उधर में छोटा सा एक बोर्ड दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये जगह भी सही है पिकनिक वगैरह के लिए। अब पिकनिक के लिए आके बैठे हैं। टीम वर्क एंटरिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, यहाँ से चिड़िया टापू का रिजर्व फॉरेस्ट स्टार्ट होता है। अच्छा लगेगा यहाँ हमें राइड करने में। थोड़ा सा केयरफुली चलाना कि टर्निंग बहुत ही शार्प टर्निंग है, सामने दिखाई भी नहीं देगा, पूरा ब्लाइंड है। तो आराम से एक हल्का फुल्का स्पीड मेंटेन करके जाना, 30-35 की स्पीड मेंटेन करके जाना। यहाँ में आपको गर्मी भी नहीं लगेगा, रोड भी मस्त रोड है, चलाने में मज़ा आ जाएगा। और दोनों तरफ में जंगल है। थैंक यू फॉर विजिटिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, विजिट अस अगेन। अब तो विजिट नहीं किया, जाना है आगे। ये एरिया को बोलते हैं चिड़िया टापू। वेदर बहुत ही रफ है। लेफ्ट वाला रोड मुंडा पहाड़ जाता है। इधर पे एक पार्क भी है, बायोलॉजिकल पार्क चिड़िया टापू। तो आगे मुंडा पहाड़। आपका बस यहीं तक आता है, ये जो था ना जंक्शन भी थोड़ा पार्किंग था, वहीं तक बस आता है। इससे आगे जो भी बस आएगा बुकिंग वाला बस आएगा। नो स्विमिंग जोन, वो तो हर जगह है। थोड़ा हीट लग रहा है अभी रोड से। ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है ना, वहाँ पे बैठ सकते हो। ओ पहाड़ देखो, ऐसा शेप में। और भी वो तरफ भी है, हल्का हल्का दिख रहा है वहाँ। Thank you.
ये चिड़े टापू बीच है और अभी हम लोग जा रहे हैं मुंडा पहाड़ की तरफ। नॉर्मली जो भी आता है ना गेस्ट मुंडा पहाड़ ही जाते हैं, यहाँ नहीं रुकते, यहाँ में इतना कुछ नहीं है। वेलकम टू मुंडा पहाड़ बीच। अब यहाँ से स्टार्ट अब यहाँ से रोड खराब रहेगा आपका। रोड तो वहीं तक था, एनएच नहीं है, चिड़िया टापू तक था आपको एनएच। मुंडा पार का रोड खराब रहेगा आपका, थोड़ा अंधेरा हो गया साइड में। सीजन में जब आओगे ना पूरा पार्क रहेगा, पूरा गाड़ी पार्किंग रहेगा यहाँ। कहाँ पार्क करेगी आगे जाकर करते। वेलकम टू मुंडा पहाड़ बीच। ठिकाने लगाते हैं यहाँ पे। तो पहुँच गए मुंडा पहाड़ बीच। तो रोड तो ठीक ठाक ही था, लेकिन लास्ट का 1.5 किलोमीटर उतना कुछ खास नहीं था, तो प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजेबल है। तो पीछे जो है एंट्री पॉइंट है, वहाँ से एंट्री करता हूँ, एंट्री करके आगे बढ़ता हूँ। तो एंट्री हो गया, अभी बढ़ते हैं आगे। तो कुछ ऐसा है, अभी तो आज तो पूरा खाली दिख रहा है। नॉर्मल टाइम में क्या बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं, ऐसी ऑफ सीजन है। और ऊपर चेहरा फोज रहा है, तो सब बना के रखे हैं, तो इको फ्रेंडली सीटिंग। आगे बढ़ते आगे तरफ जाते हो, आगे एक ट्रैकिंग पॉइंट है, वहां तक जाते हैं, जो मुंडा पहाड़ बोलते हैं ना, सुसाइड पॉइंट आगे तरफ। सही बना के रखे बना के रखे। आप यहाँ के बैठ भी सकते हो, बच्चा लोग के लिए खेलने के लिए जगह भी है, झूला भी है, झूला भी रखे बच्चा लोग के लिए, आप लोग भी बैठ सकते हो। पूरा खाली दिख रहा है, अभी एक बस आया, टेम्पो ट्रैवल शायद उसने आया होगा। कितना कम भीड़ होगा कि मैं कुछ देखता हूँ, मुझे लगा तो कम से कम 10-15 गाड़ी तो होगा। मैं आके देखता 2-4 ही गाड़ी, शायद अभी आना शुरू किया होगा, आ रहा होगा अभी। एक जगह है, पूरा खुला जगह है, यहाँ में एक छोटा सा नाला भी किया है। हाई टाइम का टाइम पानी बदल जाता है, लो टाइम का नीचे आ रहा होगा, अभी नीचे आ रहा है पानी। अब इस बार मैं कंफ्यूज नहीं, ओनपुर में बहुत कंफ्यूज था ना, हाई टाइड हो रहा है, लो टाइड हो रहा है, इस बार लो टाइड ही हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है। यहाँ पे लाइफ गार्ड का कुछ बना कर रखे, तैयार तो कोई नहीं रहा है, लाइफ गार्ड का क्यों बना कर रखे पता नहीं। अब यहाँ से पार करने का जगह एक है, दिखाता हूँ। सर आपको एडवेंचर पसंद है, खुदा खुद ही पसंद है, तो यहाँ से घूम सकते हो। पैर हिला नहीं करना है तो वहाँ से जा सकते हो। बहुत ही रिस्की वाला एक पोर्शन पार कर दिया, कहाँ का रिस्की, गिरने से घुटना तक पानी नहीं होगा, लेकिन अच्छा लगा, मजा आया। अच्छा लग रहा है, बीच में नॉर्मली ऐसे ही अच्छे ही लगते हैं।
जितना दूर जाओगे वो तरफ जाओगे ना, वहां से भी अच्छा दिखेगा। अभी बीच के पूरा गोटा व्यू दिखेगा वहां से।